हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड आज का वीडियो जो है हम कल वाली वीडियो से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी ने हमारी कल वाली वीडियो के लास्ट में देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर पहुंचे थे, क्योंकि हमें जो है ना अभी पर्पल कार्ड चाहिए था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा फटाफट से हम लोग न्यूक्लियर के अंडरग्राउंड चलते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे का पर्पल कार्ड तो हमें इजीली मिल जाएगा। पर यार, जब से मैंने यहाँ पे पर्पल कार्ड का लोकेशन बताया, तब से यार सारे के सारे इंडियन भाई लोगों को जिसको भी पर्पल कार्ड नहीं मिलता वो अंडरग्राउंड से ले रहा है। एंड अभी जो है ना गाइस, मुझे अंडरग्राउंड का पर्पल कार्ड बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है। पर कोई नहीं गाइस, अभी जो है ना हम लोग फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं और जगह का हम लोग लूटने का ट्राई करेंगे। अभी जो है ना यहाँ पे एक फैटी था, तो मैंने डिसाइड करा फटाफट से हम लोग इसको फैटी को मार लेते हैं। एंड जितने भी यहाँ पे जॉम्बीज है वो क्लियर करके फटाफट से जो है ना हम लोग ब्लू रूम चेकआउट करेंगे। देखते हैं यार यहाँ पे हमें कार्ड वगैरह मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलेगा तो भी ठीक है। तो गाइस यार, यहाँ पे जब तक हम लोग ये चीज चेक कर रहे हैं, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 300। आई होप गाइस आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। सो यहाँ पे हमें पर्पल कार्ड तो नहीं मिला, तो मैंने डिसाइड करा यार अभी जो है ना मैं हार्बर पहुंचा। एंड अभी तक यार मेरे को हार्बर का फ्री वाला एमो चेस्ट नहीं मिला। एंड अभी जो है ना मुझे एक बार फ्री वाला एमो चेस्ट तो दिखा था, पर जो है ना उसको भी एक बंदे ने लूट लिया था एंड उसको मैंने काफी गंदा फायर किया। एंड अभी जो है ना ये बंदा वहां पे से भाग चुका है। वैसे फुटस्टेप्स तो आ रहे थे मुझे, पर मुझे यार उसका लोकेशन नहीं पता वो बंदा एक्चुअली में कहां गया। एंड यहां पे जो है ना उसकी फाइट हो चुकी है अपने टीममेट से। एंड अभी जो है ना यहां पे मैंने अपने टीममेट को भी कवर दिया, तो जैसी गाइस यहां पे हम लोगों ने उसे मारा, तो लगता है यार उसे जो है ना एमो बॉक्स से कुछ खास नहीं मिला था, इसलिए वो एमो बॉक्स का कुछ भी सामान ड्रॉप नहीं हुआ। एंड यहाँ पे जो है ना इन भाई का हेल्थ थोड़ा सा कम था, सो इनके पास बैंडेजेस वगैरह नहीं थे, तो ये मेरे से बैंडेजेस वगैरह मांगने लगे थे। तो मैंने डिसाइड करा थोड़े से यार बैंडेजेस जो है ना इन्हें दे देता हूँ। एंड अभी जो है ना गाइस, इसके बाद हम लोग फटाफट से ऐसे करते हैं दूसरी जगह चलते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो जैसे गाइस हम लोग यहाँ पे से जैसे ही अपने बेस की तरफ निकल ही रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दो बंदे दिखे। तो भाई एक बंदा यहाँ पे शॉटगन चला रहा था, सो उसको मैंने नॉकआउट किया एंड बंदे ने फेस मेकर यूज कर दिया। एंड जैसे गाइस मैं इसको मारने वाला था, तब तक जो है ना मेरी गन जो है SMG वो रिलोड में आ चुकी थी, तो वहां पे तो यार मैं इजीली मर चुका था। एंड मैं दोबारा से आया, पर मैंने जो है ना अपना हेल्थ को हील नहीं किया। एंड आप लोग तो देख ही सकते यार मेरी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा कम है। फिर भी मैंने डिसाइड करा चलो क्यों ना हम लोग यहाँ पे फाइट वगैरह लेते हैं। एंड इस बार भी यार डैमेज काफी गंदा दिया, पर लगता है उस बंदे के यार टकाटक हेड लगे थे और मैं जो है ना एक सेकंड में नॉकआउट हो गया। पर कोई नहीं यार, हमारे जो टीममेट है उन्होंने जो है ना इनको मार ही दिया था। एंड हम लोग दोबारा से यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि यार बंदों का तिबारे नाम आने लगा था रिपोर्ट में, तो हमने कहा यार आज तो आरिया पारी हो जाए। तो जैसे गाइस हम लोग यहाँ पे पहुंचे एंड यहाँ पे हमें वो बंदे दिख चुके हैं, भाई काफी गंदा फाइट होने लगा है। मतलब इस सर्वर में अभी तो गाइस कुछ ऐसा था, मतलब हम लोग हार्बर में किसी को घुसने भी नहीं दे रहे थे। जितने भी बंदे घुस रहे थे ना यार, उनको क्या ही गजब तरीके से बजा रहे थे। तो देखो यार हम लोग उधर बिजी थे एंड इधर एक बंदे ने जो है ना अपने टीममेट को लुढ़का दिया, जो कि काफी ज्यादा गजब का है। तो चलो यार अभी जो है ना हम लोग अपने टीममेट को फटाफट से रिवाइव देते हैं एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे से हम लोग निकलते हैं किसी और जगह। तो अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे से थोड़ा सा देख लेते हैं ये भाई क्या कर रहे हैं। लगता है कुछ कंपोनेंट वगैरह डिसमेंटल कर रहे होंगे। चलो गाइस अभी जो है ना ये बंदे जो थे उनका बेस ढूंढते हैं। वैसे मुझे लग रहा है इन बंदों का बेस जो है ना बॉम्ब सेल्टर की तरफ है। तो अभी जो है ना गाइस, इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग बॉम्ब सेल्टर के साइड चलते हैं एंड वहाँ जो है ना इनकी वहाँ पे भी कुटाई करेंगे। तो अभी जो है ना गाइस हम लोग फटाफट से निकलते हैं, सीधा पहुँचते हैं बॉम्ब सेल्टर में। तो डेफिनेटली बाहर में भी बंदे आ सकते हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली होगा। हाँ अभी तो नहीं है। ओके, और देखो गाइस यहाँ पर तीन बंदों के बीच में घुस रहा है भाई। अगर तीन बंदे मेरे को टीम के दिखते हैं ना, मैं तो वहां से तितर हो जाता हूँ। मतलब यार तीन बंदों से फाइट करना इम्पॉसिबल है यार। ग्लोबल में जो लोग सोचते हैं ना
कि न्यू बंदे खेलते हैं यार, तुम आके खेल के तो देखो यार, पता चल जाएगा कि कौन न्यू है कौन पुराना है। तो चलो यार, अभी जो है ना, हम लोगों को फाइनली उनका बेस तो मिल चुका है, एंड हम लोग इनको इसलिए गेम कर रहे हैं कि इनके पास यार रेड डॉट है, एंड अभी जो है ना हमें रेड डॉट नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ पे रैंप वगैरह बना ही रहता है। एंड अपडेट के बाद गाइस ये काफ़ी गंदा ग्लिच है, मतलब आप लोग जो है ना पहले रैंप में रूफ जो है तीन तीन लगा देते थे, तो अभी जो है ना आप लोग तीन नहीं एक लगाओगे, एंड आपको जो है ना बेस कुछ इस तरीके का बनाना पड़ेगा। अभी मेरे ऊपर फायर कर रहा है, एंड यहाँ पे जो है ना गाइस अपने टीममेट ने उसके ऊपर फायर किया और वो अभी तक तो यहाँ पे नॉक नहीं हुआ, तो मैं ऐसे करता हूँ अपने आपको फटाफट से हील अप करता हूँ। ओके यार, यहाँ पे अपने टीममेट ने उसको नॉक भी कर दिया है, एंड मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे सब बाहर निकलेगा। ओके, मुंडी दिखी, तो यहाँ पे मैंने दो बुलेट्स मारी, 18-18 का डैमेज आया। तो मैंने डिसाइड करा थोड़ा सा हम लोग जो है ना इसको और ऊंचा कर लेते हैं। तो जैसी गाइस ये मैं यहाँ पे से ऊपर गया, तब तक बंदे ने यहाँ पे वॉल लगा दिया, तो मैं समझ गया था यार इधर से तो हम लोग मार नहीं पाएंगे, एंड अभी जो है ना हमें इनके पीछे बेस बनाना पड़ेगा, ऐसी रैंप बनाना पड़ेगा। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं एंड पीछे के साइड बनाएंगे, एंड मुझे लग रहा है ये जो रैंप है ना इसकी कैबिनेट में कनेक्ट हो गया, तभी जो है ना गाइस यहाँ पे आ रहा है टू क्लोज टू द अनदर बिल्डिंग। तो जैसे ही गाइस हम लोग यहाँ पे रैंप बनाने जा ही रहे थे, एंड कुछ बंदे पीछे से अपने बेस अपने तरफ रश कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार इनको घुस के मारते हैं। एंड ये वही बंदे यार जो लोग जो ना तीन तीन बंदों के पीछे में घुस रहे हैं फाइट लेने के लिए, पता नहीं यार लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रो है। तो चलो यार फटाफट से ऐसे करते ना चलते हैं। ओके, यहाँ पे लगता है इन बंदों ने अपने टीममेट को भरा था। अभी मेरे पास बुलेट्स वगैरह भी नहीं है, बुलेट्स भी अपने पास काफी ज्यादा कम है, तो चलो गाइस चलते हैं। हाँ, फटाफट से देखते हैं, डोर खोलेगा घुसने का ट्राई करेंगे, फर्नेस चल रहा है। ओके, खोला तो था ये बंदा, खोल भाई। अभी मेरे पास शॉटगन है, सीधा खोपड़े में शॉटगन मारूंगा, पट से हेडशॉट। अरे नहीं लगा, वो तो बंदा फर्नेस के पीछे है। एक बंदा जो है ना वो चाह रहा है कि हम लोग इसके बेस के अंदर घुसे एंड ये डोर क्लोज कर दे और हम सेल्फ मारे और इनको जो है ना SMG मिल जाए, तो यार ये गलती तो होगी नहीं। एंड अपना टीममेट एक नेकेड घुसा था इनके बेस में, एंड आपको पता है गाइस इनके बेस से कितना सल्फर लाया, 3K सल्फर, यार छोटा नहीं है, काफी बड़ी रकम है। तो चलो यार उन भाई ने मेरे को जो है ना अपना सामान वगैरह दे दिया है, एंड देखो यार यहाँ पे वो भाई तो घुस चुके हैं, तो उन्होंने फर्नेस से सामान वगैरह तो निकाल दिया था। जब जैसे ही यहाँ पे फर्नेस से वो सामान वगैरह निकाल रहे थे, तब तक एक बंदे ने जो है ना उनको चकुए से काट दिया, एंड अभी जो है ना आगे उन बंदों का अपने एक टीममेट से फाइट हुआ। सो वो वहाँ पे नॉक थे, तो अपने टीममेट ने यहाँ पे उनको रिवाइव दे दिया है। तो अभी जो है ना गाइस यहाँ पे मैं बैठ के देख ही रहा था, तो अपने टीममेट को यहाँ पे उस बंदे ने भर दिया, तो जैसे ही गाइस वो सामान लूट के भाग ही रहा था, फिर मैंने उजी का स्प्रे मारा, एंड यहाँ पे यार उन भाई ने भी इनकी हेल्थ काफी कम कर दी थी, तो उजी का इसको दो ही बुलेट लगा, 25-25 का डैमेज आया और वो बंदा भी नॉक। एंड उसके बाद यार मैंने यहाँ पे अगल बगल देखा, अपने टीममेट ही नहीं है, तो मैंने बोला यार तुम लोग सारे के सारे भाग गए एंड मुझे भी नहीं बताया, तो मैंने कहा चल बेटा तू भी यहाँ से तितर हो जा। तो भाई यहाँ पे से मैं भी अब भागने लगा हूँ, भागता हूँ फटाफट से। ओके चलो कोई नहीं, अपने एक टीममेट है यहाँ पे, थोड़ा सा बैठते हैं। ओके तीसरे भी आ गए, चलो बढ़िया है, मतलब अपने टीममेट आ चुके, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो भाई तो देखो यार अभी 3000 सल्फर लेके आए थे एंड दोबारा से गए, पर यार उन बंदों ने दोबारा से आने ही नहीं दिया अपने बेस के अंदर। एंड अभी जो है ना मैंने डिसाइड करा कि अभी हम लोग थोड़ा सा रूम वगैरह करके आते हैं, क्योंकि अपने में पर्पल कार्ड नहीं है, तो चलो यार फटाफट से थोड़ा सा रूम वगैरह चेकआउट करके आते हैं। अगर पर्पल कार्ड मिलेगा तो बढ़िया, अगर नहीं मिलता तो यार देखना पड़ेगा, पर्पल कार्ड का जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से तो करेंगे। तो ओके यार यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लू है, तो चलो चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैं अभी अपने छोटी सी धन्नो पकड़ी हुई है, तो हार बरकर करके कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, यहाँ पे ग्रीन एंड पर्पल है। अभी जो है ना हम लोग सीधा निकलते हैं यहाँ पे से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से मिलने के चांसेस हैं। तो आप लोग देखिए यार यहाँ पे हार्बर में इतने सारे बेस है ना, मेरा डिवाइस भी यार काफ़ी गंदा लैग करने लगा है भाई, गजब मज़ा आ गया, मतलब इतने बेस देख के ना डिवाइस भी फड़फड़ा रहा है, एंड मुझे नहीं पता जिसके पास लो इन डिवाइस होगा, बजट स्मार्टफोन होगा, तो यार वो नहीं खेल पाएगा यहाँ पे। तो चलो गाइज अभी जो है ना हम लोग फटाफट से
एयरपोर्ट पहुंचते हैं एंड जैसी गाइस यहां पे से हम लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे थे तो मैंने रूम चेकआउट करा, रूम पे लूट था पर पर्पल कार्ड नहीं था, एमओ चेस्ट था, तो मैंने डिसाइड करा चलो देख ही लेते हैं क्या मिलता है भाई। यहां पे तो पूरा कचरा मिला, मतलब कुछ खास नहीं मिल रहा यार। तो ओके गाइज यहाँ पे से हम लोगों ने सामान वगैरह उठा लिया है एंड पर्पल कार्ड चेकआउट कर रहा था, पर्पल कार्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो उसके बाद यार आगे जाके कोई फायदा नहीं है। आगे आई थिंक ग्रीन रूम है, नहीं ग्रीन नहीं पर्पल ही है, तो पर्पल कार्ड है नहीं तो आगे जाके कोई फायदा नहीं। फटाफट से ये टीममेट को बिठाता और निकलते हैं गाइज यहाँ पे से। ओके कोई आपके ऊपर फायर किया था तो वहाँ पे तो गाइज हम लोगों ने देखा नहीं, पर यहाँ पे अपने को एक बंदा दिखा तो एक बंदा भाग रहा था। चलो यार फटाफट से इसको नॉक एंड फिनिश करते हैं। ओके गाइज यहाँ पे हम लोगों ने नॉक एंड फिनिश कर दिया है। सो मुझे नहीं लगता इन बंदों से अपने को कुछ मिलेगा क्योंकि ये रोड फार्म वगैरह कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाएंगे तो वो जो है ना वो भाई उठा ही लेंगे। तो लेट्स गो यार अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं। ये भाई बोलने लगे इसको लूटना नहीं है, मैंने कहा यार लूट के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ तो मिलेगा नहीं, फिर भी चेकआउट कर ले। ओके यार यहाँ पे एक सेल्फ मिला है जो कि कुछ यूज़ का है नहीं मेरा, तो चलो यार अब मेरे पास एक ऑप्शन है अब ओनली बैंडिट कैंप का। जब से गाइस ये नई चीज़ ऐड करी गई है ना तब से यार रूम्स की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इतना बंदा खेलता है एंड रूम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलते जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। ओके लेट्स गो गाइस यहाँ पे अपने को कुछ नहीं ओनली कंपोनेंट्स मिले, हाँ इसमें भी कुछ नहीं है वैसे ग्रीन रूम है, कुछ खास मिलेगा नहीं। तो उसके बाद यार यहाँ पे मैंने ग्रीन रूम करा, ब्लू कार्ड भी नहीं मिला था, तो फिर मैंने डिसाइड करा चलो ऐसे करते हैं ना फटाफट से हम लोग निकलते हैं बॉम्ब शेल्टर एंड बॉम्ब शेल्टर में पहुँच चुका हूँ एंड बॉम्ब शेल्टर में भी यार कुछ खास नहीं मिला पर रूम था, तो मैंने अपने टीममेट से बोले क्या करें ब्लू रूम कर लें पर्पल कार्ड वगैरह तो है नहीं, तो उन्होंने कहा यार क्यों छोड़ना कर ले फटाफट से। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार चलते हैं, क्या पता यार आयरन का कुछ सेट वगैरह मिल जाए। बंदा आया लगता है इसके पास गन वगैरह नहीं है तो छोड़ना क्या यार मार ही देते। तो ओके गाइस यहाँ पे मैंने इस बंदे को मारा, पिस्टल था इसके पास, वैसे मैं 500 सल्फर में SMG बेच रहा हूँ यार, बाय कर लेना चाहिए इनको। तो चलो यार फटाफट से डोर ओपन करते हैं एंड देखते हैं यार इससे क्या मिलेगा। भाई आयरन का कच्चा मिल गया, मतलब ना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। ओके इससे तो कुछ खास मिलेंगे नहीं, सप्लाई चेस्ट है ओनली कंपोनेंट्स मिलेगा। पहले गाइस टाइम किया था, मतलब यार आप लोगों ने देखा होगा पहले हम लोग सप्लाई चेस्ट के पीछे कितना भागते थे यार, मतलब सप्लाई चेस्ट बोले तो SMG रोड पूरा कर लीजिए न्यू सर्वर में आपको सप्लाई चेस्ट नहीं मिलेगा एंड अभी तो गाइस क्या है बंद सप्लाई चेस्ट इजीली मिल जाता है एंड अभी जो है ना बंदे एमओ चेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। तो चलो गाइस अभी जो है ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेयर वगैरह फार्म करने जा रहा था क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे रेड टाइम होने वाला है एंड अभी अपने पास थोड़े से स्पेयर कम है, तो यहाँ पे बंदे मेरे को दिखे कुछ स्पेयर फार्म वगैरह कर रहे थे तो मैंने इनको मारा, मेरे को लगा यार कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाएगा पर यार बंदों के कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ, इवन कच्चा भी ड्रॉप नहीं हुआ देख लीजिए, पर स्टील एक्स ड्रॉप हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फार्मिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। एंड अभी जो है ना उस बंदे को भी देखता हूँ, सो यार उस बंदे का डेट क्रेट भी देखा उससे कुछ नहीं मिला एंड यहाँ पे जो है ना कंपोनेंट्स वाला मोटा आ चुका है गाइस, कंपोनेंट्स मिलेगा अभी अपने को तो मारते हैं उसको, देगा कुछ। ओके आ रहा है अपने पीछे, सो ऐसे करते हैं इसको यहाँ पे हम लोग ग्लिच करेंगे, भाई चढ़ गया ये तो ऊपर, अब एक स्कैम हो गया, रुको 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 अभी मारेंगे। तो चलो गाइस अभी जो है ना ये पीछे जा रहा है तब तक तो हम लोग इसको इजीली मार ही देंगे, ओ इसका हील रिवाइव होने लगा है तो होने दीजिए इसको रिवाइव, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके रिवाइव हो गया एंड अब तो गया ये, अब नहीं बचने का भाई, किधर किधर भाई कितने बुलेट्स लगी एंड देखा गाइस आप लोगों ने ओनली 20 स्पीयर, भाई क्या बोले हम। तो चलो यार अपने को हील अप वगैरह करते हैं और यहाँ पे हम लोग निकलते हैं सीधा अपने बेस के साइड, ऐसे करते अपने बेस से कंपोनेंट्स लाते हैं एंड वही डिसमेंटल मारेंगे। पर यहाँ पे अपने एक टीममेट ने बोला भाई अपने पे थोड़ा सा आयरन की कमी हो रही है
थोड़ा सा आयरन वगैरह कर दो। फिर क्या था यार, मैं फटाफट से गाड़ी पकड़ी, शॉटगन पकड़ी और निकल चुका था मैं यहाँ पे थोड़ा सा आयरन वगैरह फार्म करने के लिए, क्योंकि लगभग अपने बेस में आयरन की कमी है तो अपने को आयरन भी चाहिए। फटाफट से हम लोग यहाँ पे फार्म वगैरह करते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो मिलता हूँ गाइस आपको मैं सीधा बाद में जब हम लोग फार्मिंग वगैरह करके आ जाएंगे। एटलीस्ट 8000 आयरन बहुत है गाइस, 8000 आयरन। तो फाइनली यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा आयरन वगैरह फार्म कर रहा था एंड शॉटगन की आवाज़ सुनी एंड ये बंदा जो है ना अपने बेस से बाहर निकल के सीधा मेरे को मारने आ रहा था। जैसे गाइस मैंने इसको नॉक किया ना, तो नॉक होते हुए क्या बोलता, हाय डियर डोंट शूट। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, चीटिंग नो चीटिंग गाइस। तो चलो यार अभी मैंने इस बंदे को मार दिया है, फटाफट से जो है ना अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ एंड अपनी फार्मिंग दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। सो फाइनली यार यहाँ पे मैं फार्मिंग वगैरह करके आ चुका हूँ। लगभग अपन लोगों ने 8000 सल्फर फार्म किया है, सो इसको मैं फटाफट से मेल्टिंग में डाल के आता हूँ। तो क्लोज करो एंड डाल दो यहाँ पे। वैसे स्प्लिट करके डालता हूँ। तो भाई यहाँ पे अपन लोगों ने आयरन मेल्ट करने के लिए तो ऑलरेडी डाल दिया है और मेरी सारी की सारी फर्नेस लगभग काफ़ी गजब की चल रही है। मतलब अपने पास सल्फर वगैरह का भी, चारकोल वगैरह का भी जुगाड़ हो जाएगा। सो गाइज उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा, मैंने डिसाइड करा थोड़ा सा अपने कंपोनेंट्स वगैरह डिसमेंटल कर, तो 200 स्पेयर की कमी है अपने में। तो यार यहाँ पे जो है ना अपना सामना हो चुका है क्लियर मैप वाले बंदे से। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह डिसमेंटल कर रहा था एंड लगता है यार उस बंदे को SMG अभी मिली थी एंड देखो यार वो बंदा अपने को मारने आया। सो मैंने डिसाइड करा यार मेरे को लग रहा था कि बंदा आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले जो है ना अपने कंपोनेंट्स उठाऊं डिसमेंटल से। तो मैं गया फटाफट से अपने कंपोनेंट्स उठाए एंड देखो गाइस क्या ही गजब का सरप्राइज मिला। आ गया बंदा, मैंने कहा चलो चलते हैं घूम के इसको मारने का। तो ये बंदा तो यार देखो आर पार गोलियां मार रहा है। भाई दिख तो जा मेरे को, तभी तो मारूंगा मैं तेरे को, ऐसे चीटिंग नहीं चलेगा रे भाई। भाई इसका हेल्थ कम हो गया, अबे मैं इसके पास क्यों आ गया, चकुए से काट दिया भाई, चीटिंग करता है ये। चलो कोई नहीं गाइस, उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आया, मैंने कहा इसको ओपन में मारने का ट्राई करूंगा एंड ये जो बंदा है ना पीछे से सीधा शॉटगन से बजा दिया। भाई फिर स्कैम। चलो कोई नहीं गाइस, अभी जो है ना मारने का ट्राई करूंगा। तो यार मैं दोबारा से आया, वो बंदा तो यहाँ पे दिखा नहीं, पर यहाँ पे ये जो मोटा था ना वो ग्लिच हो चुका है। मुझे लगता है अभी जो है ना ये डेफिनेटली अपने को काफी अच्छे कंपोनेंट देगा। चलो मारते हैं, देखते हैं क्या कंपोनेंट देगा। अगर कंपोनेंट्स नहीं दिया ना गाइज तो आज जो है ना मैं इसको मारूंगा ही नहीं। चलो यार थोड़ा सा अपना शॉटगन रिलोड करते हैं फिर इसको मारने का ट्राई करेंगे। अब तो गया, पहले दोनों शॉटगन रिलोड कर लेता हूँ। ओके लेट्स गो। तो भाई इस बारी जो है ना अपने को काफ़ी अच्छा सामान मिल चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी मैं फटाफट से चलता हूँ डिसमेंटल में, कंपोनेंट डिसमेंटल मारूंगा एंड उसके बाद जो है ना हम लोग ओहेल ड्रम का रेसिपी लर्न करते हैं। बस यार वो चाइनीज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वैसे एक चीज बताऊं गाइस, लिटरली आपको बताता हूँ मैं, सबसे बेटर जगह है पिकवुड। अगर आप लोगों ने एक बारी पिकवुड पकड़ लिया ना भाई, लूट काफी अच्छा होता है एंड हर बार यार बेकार है। मतलब आप लोगों को अगर एक जगह पकड़नी है, ऐसी जगह पकड़ो जहाँ पे एटलीस्ट यार तीनों कार्ड हो, ग्रीन ब्लू एंड पर्पल, जहाँ से आप लोगों को पर्पल भी मिल जाए, ग्रीन भी मिल जाए एंड ब्लू भी मिल जाए, जो कि मिलिट्री काफ़ी अच्छी बढ़िया जगह है एंड न्यूक्लियर। अगर आप लोगों को अच्छे से सर्वाइव करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ओनली दो जगह पकड़िए। अगर आप लोग मिलिट्री पकड़ते हैं तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि आप लोगों को एवेंजर मिलेगा। तो वो इस बात छोड़िए गाइस, अभी आप लोगों को वो बात मैं बाद में बताऊँगा। सो अभी हम लोग फटाफट से यहाँ पे अपने थोड़े से कंपोनेंट्स वगैरह डिसमेंटल मारते हैं। भाई वो बंदा दोबारा नहीं आना चाहिए, अभी हम लोग आ रहा। ओके ये कौन आया, लगता है अपने टीममेट है।
थोड़ा सा वेट करते हैं एंड जैसे कंपोनेंट अपने डिसमेंटल होंगे उठा के सीधा तित्तर यहाँ से। ओके गाइज, यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स वगैरह सारे के सारे डिसमेंटल हो चुके हैं। फटाफट से अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स उठाते हैं और निकलते हैं यार यहाँ पे से। अभी मेरे को सबसे पहले तो ऑयल ड्रम का रेसिपी लर्न करना है क्योंकि अभी रेड्स वगैरह करनी है ना, सो उसके लिए तो ऑयल ड्रम चाहिए ही चाहिए। तो भगते हैं सीधा अपने बेस के साइड ऑयल ड्रम लर्न करके, फिर निकलते हैं रेड्स वगैरह करने के लिए। भाई आप लोग देख सकते हो बेस कितने सारे हैं अपने बेस के बगल में। ओके, ये बंदा यहां पे क्या कर रहा है? ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, सरप्राइज ब्रदर, गया। पता नहीं गाइस यहां पे ये बंदा क्या मंत्र पढ़ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आया। एंड मेरे पास शॉटगन थी और 4 बुलेट्स थी शॉटगन की, सो मैंने तो उसको भर दिया। चलो कोई नहीं यार, अभी अपन लोग चलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले अपन को ये बेस रेड मारना है क्योंकि इसकी फर्नेस सुबह से चल रही है, क्योंकि ये मेरा टीममेट बोल रहा था कि इसकी फर्नेस भाई जो है ना सुबह से चल रही है तो इसको रेड मारते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फटाफट से अभी अपन लोग ऑयल ड्रम का रेसिपी लर्न करते हैं। लगभग अपने पास सारे के सारे स्पीयर हो चुके हैं भाई, 700 स्पीयर हो गए, सो इतने में तो इजीली लर्न हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपना डेली का जो ऑयल बम है ना उसे क्लेम करता हूँ एंड लर्न करके बम बना के निकलते गाइस रेड करने में, अब आएगा ना मजा। तो ओके गाइस, यहाँ पे अपन लोगों ने ड्राफ्टिंग टेबल में ऑयल बम का रेसिपी ड्राफ्ट होने के लिए रख दिया है एंड जैसे ड्राफ्ट हो जाएगा उठा के चलते बनेंगे। लगभग 30 सेकेंड वेट करना होगा अपने को। तो यहाँ पे अपना टीममेट बोलने लगा था अपने बेस में लगभग 5 ऑयल ड्रम है एंड उसी को उठा के चलते हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे ड्राफ्ट करने लगा दिया, अगर कोई बंदा अंदर घुस गया तो ऑयल ड्रम का रेसिपी भी ले जाएगा, सो अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। बस अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऑयल ड्रम का रेसिपी जो है ना वो लर्न करने दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, तुम ऑयल ड्रम का रेसिपी लर्न करो एंड बाद में जो है ना पीछे आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी आ जाऊँगा। लगता है रेसिपी ड्राफ्ट हो गया होगा, सो फटाफट से मैं रेसिपी जो है ना उठा लेता हूँ। ओके गाइस, उठा लिया है, लॉल हो गया। तो चलो गाइस चलते हैं अपने बगल का बेस को रेड मारने के। तो यहाँ पे अपने टीममेट बोलने लग, ओके यहाँ पे फाइट हो रहा है एंड बंदा देखो SMG से मारने का ट्राई कर रहा है। आ जा बैठे तू भाई, झाड़ के पीछे बैठ गया, झाड़ के पीछे तो डैमेज भी नहीं जाएगा उसको, बस उसको थोड़ा सा वेट करूंगा बाहर निकलने का झाड़ से एंड जैसे ही निकलेगा ना बजाता हूँ। ओके गाइस, एक लगा 47 का 23 का, ओके अभी नहीं लगेगा, ओके लगा। तो फाइनली यार 3 बुलेट में नॉक, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड ये वही बंदा है जो अभी झाड़ फूक कर रहा था यहाँ पे। तो चलो यार 3 ऑयल ड्रम लगाते हैं इसमें और तोड़ते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे फर्नेस तो जल रहा है, सो ज्यादा कुछ नहीं है, ओनली ये 4 गोल बना रहा था भाई। बॉक्सेस में क्या है? ओके कुछ नहीं है खास भाई, उजी है बंदे के पास भाई, मजाक कर रहा है, चीटिंग करता ही है, उजी है बंदे के पास एंड बंदे ने अपना बेस जो है ना उसे स्टोन का भी नहीं करा, वुड का है। चलो कोई नहीं यार, अपना प्रॉफिट हो चुका है। वैसे अपने पास भी उजी था, अगर कोई बंदा डंडे से भी रेड करता ना इसको तो यार उसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता एंड अभी जो है ना अपने पास काफ़ी ज़्यादा सामान है, तो वो सामान जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं बेस में एंड रखते हैं बेस के अंदर। और उसके बाद थोड़े से हम लोग ऑयल ड्रम्स वगैरह बना के और निकलेंगे यार फटाफट से रेड्स वगैरह करने के लिए। भाई अभी कोई से भी डब्बे में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है अपने को कि सामान समेट के रखना है, डालो जहाँ पे जगह है एंड सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग नेक्स्ट डे लगा देंगे सारा का सारा सामान। थोड़ा सा अभी मेरे को GP वगैरह बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑयल ड्रम बनाने के लिए अपने को GP चाहिए
एंड अपने पास सल्फर तो है पर जीपी नहीं है, सो अपन लोग फटाफट से बनाते हैं। तो यार ये कंपोनेंट सारे के सारे यहीं पे भर दो। तो यार मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे सल्फर एंड चारकोल लेता हूँ। जीपी बनाने के लिए किधर है? ओके यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे होगा। ओके ये रहा। तो यार ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है अपने पास, क्योंकि इतने सारे भाई लोग हैं ना, तो सारे का सारा सल्फर तो जीपी में जा रहा है, आई मीन एमओ बनाने में। तो भाई यहाँ पे हम लोग ऑयल ड्रम्स बना के लेके आ चुके हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड करा यार यहाँ पे ये बेस अपन लोग रेड करते हैं। एंड अपने बेस के बगल में एक और 2x2 का फुल स्टोन का बेस था, तो मैंने यहाँ पे अपने टीममेट से बोला इसको रेड मारना है, तो वो बोले भाई नहीं इसको रेड मार के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके बेस में हैकर घुसा था, आई मीन ऑफलाइन वाला हैकर जो था ना, तो इस बंदे को अंदर ही मार रहा था। तो वो बोला डेफिनेटली वो बंदा जो है ना सामान वगैरह लूट के तो डेफिनेटली ले गया होगा। तो मैंने कहा यार बात तो तुम सही बोल रहे हो, चलो ऐसे करते हैं ना गाइस इस बेस को छोड़ते हैं एंड एक आधा बेस और देखते हैं। वैसे मुझे लग रहा है इस बेस का ऊपर का एरिया जो है ना डेफिनेटली स्टोन को होगा, वैसे ऊपर से हम लोग रेड मार सकते थे। एंड आप लोगों ने देखा भाई क्या ही गजब का यहाँ पे टावर बेस बना के रखा हुआ है बंदे ने। तो भाई इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, वैसे मुझे नहीं लगता अगर ये यहाँ पे का सीलिंग वगैरह तोड़ देना तो इसको रेड कर पाएगा कोई। चले यार निकलते हैं, थोड़ा सा रेड वगैरह करके आते हैं। तो यहाँ पे हार्बर के पीछे वाले गेट पे ना काफी ज्यादा बेस। ओके एक बंदा अपने ऊपर फायर कर रहा है एंड लगभग उसने अपनी हेल्थ थोड़ी सी कम करी। भाग रहा है यार, एक भी बुलेट नहीं लगा, लगभग 20 बुलेट मैंने फायर किया उसमें, लिटरली गाइस एक बुलेट भी नहीं लगा। तो डेफिनेटली यार मजाक ही चल रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं यार, देखते हैं अपन लोग मार पाते हैं नहीं मार पाएंगे। वैसे मार ही देंगे, और वो बंदा यार काफी ज्यादा दूर भाग रहा है। तो यार पूरा का पूरा मिस एंड वो बंदा जो है ना गाइस यहाँ पे सब भाग जाता है। तो अपन लोगों ने डिसाइड करा है अभी जो है ना हम लोग मेनली फोकस करते हैं रेड में। तो एक बेस था यहाँ पे एंड मेरा प्लान, चलो इसको हम लोग मचेट से रेड मारते हैं। एंड यहाँ से भी गाइस अपने को काफ़ी अच्छा लूट मिला, तो लग जाओ भाई मचेट से इसको उड़ाने में। तो एक टीममेट भाई तो बोलने लगा तू फटाफट से इसको रेड कर, मैं तुझे कवर करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। भाई लगभग 40% बचा हुआ है भाई, 40 बोलते बोलते यहाँ पे 20 हो गया। अब 20 बोलते बोलते कहीं टूट ना जाए, देखो मैंने बोला ना 20 बोलते बोलते टूट जाएगा। ओके गाइस यहाँ पे इसकी फर्नेस में कुछ है? ये फर्नेस में तो कुछ नहीं है एंड 2000 आयरन मिला जो कि बढ़िया है। चलो फटाफट से ऐसे करते ना, देखते हैं यहाँ पे अंदर बॉक्सेस वगैरह है या नहीं है। हाँ दो बॉक्सेस है, पर यार इसका कैबिनेट किधर है? लगता है कैबिनेट बंदे ने छुपा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दो ऑयल ड्रम्स तो लगा लिए हैं, देखते हैं। भाई टीसी नहीं दिखा। ओके मेरे को यहाँ पे फ्लेयर गन की एमओ मिली, लगभग 1200 सल्फर का जुगाड़ तो हो गया अपना। बंदा आया, लगता है जिसका बेस है ना वो यहाँ पे आ चुका। ओ शॉट गन मारा भाई, शॉट गन चिपकाया था सीधा, ठीक हुआ चिपका नहीं, अगर चिपकता ना तो मैं जाता। निकल बाहर भाई किधर, पिस्टल। ये भी सेमी ऑटो राइफल से मार रहा है। तो यहाँ पे अपने टीममेट लोगों ने जो है ना उसके पीछे पड़ गए थे एंड मे भी जो है ना अपने टीममेट ने उसको भर दिया। भाई यहाँ पे 900 सल्फर और मिला, लगभग 2000 सल्फर के एक सामान यहाँ पे अपने को ईजिली मिल चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चलो यहाँ पे मैं एक भाई के पास गन्स वगैरह नहीं है तो उनको गन्स वगैरह दे देता हूँ एंड एक्स्ट्रा आर्मर जो है ना ये मैं उनको दे दूंगा। एंड उसके बाद यार हम लोग दोबारा से निकलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रेड्स वगैरह करने के लिए। हेलमेट भी गिरा देता हूँ। ओके लगता है हेलमेट भी नहीं था, सो मैंने यहाँ पे सामान वगैरह दे दिया एंड लेट्स गो गाइस निकलते हैं आगे। एंड एक आधा बेस और है अपने बगल में, उनको रेड मारते हैं। बाकी के जो बेसेस हैं हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर आज ही गाइस सारे के सारे बेस रेड करेंगे तो कल क्या करेंगे अपन लोग। तो यार यहाँ पे एक ये बेस था,
एंड हम लोगों ने इसको रेड मारने का बाद में ट्राई मारा था भाई, यहाँ पे हम अपन का काफी गंदा स्कैम काटा। वो स्कैम क्या कटा वो तो गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। एंड अभी जो है ना गाइज, हम लोग एक ऐसा बंदे का बेस रेड मारेंगे जो कि क्लियर मैप वाला हैकर था। तो देखो गाइज यहाँ पे फाइट हो गया, ये बंदा अपने टीममेट के ऊपर फायर किया था भाई, यहाँ पे अपने आसिफ भाई ने उसको भजा दिया। वैसे इसका शॉटगन का बुलेट्स वगैरह गिर चुका है जो कि बढ़िया है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने बेस देखा तो फर्नेसेस वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा थी। एंड हमारे मन में आ चुका था काफ़ी बड़ा लालच, मतलब तीन चार फर्नेस है तो डेफिनेटली यार फार्म वगैरह तो मिलेगा ही। एंड छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस थे तो जितना भी फार्म होगा वो सारे का सारा हमें मिलेगा। फिर क्या था गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिए सीधे यहाँ पे 10 ऑयल ड्रम। एंड देखो गाइज क्या ही गजब का सीन हुआ, मतलब फुल्ली स्कैम यार। 10 ऑयल ड्रम लगाए, मिला क्या? कुछ भी नहीं। ओके, ये बंदा कहाँ से आया? वैसे मारा था यार मेरा थोड़ा सा यहाँ पे लग वगैरह हुआ, क्योंकि मैं बोला था ना गेम हार्बर में काफी गंदा लैग हो रहा है, तो यार कुछ खास है नहीं इस बंदे में। लगभग हम लोगों ने कितने सारे 10 ऑयल ड्रम वेस्ट किए पर मिला कुछ नहीं। अब क्या बोल सकते हैं, चलो गाइस ऐसे करते हैं ना, फटाफट से निकलते हैं। ओके, थोड़ा सा सल्फर मिला, लगभग 500 सल्फर। उतने में तो यार उतने ऑयल ड्रम्स भी नहीं बनेंगे जितने हम लोगों ने लगाए। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं गाइस हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है ना, आज की वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।